को पिछले कुछ लंबे समय से लगातार निगम की समस्याओं से रूबरू करा रहे हैं। हमने पहले भी आपको कई खबरें दिखाई हैं, जिनमें मौत के गड्ढों की वजह से, नाले की वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक नगर निगम कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागा, जिसकी वजह से आज सुबह वार्ड नंबर 22 अशफाबाद लहरी हॉस्पिटल के पास स्थित नाले में 6 वर्षीय मासूम बच्चे हर्षित, जो कि घर से खेलने के लिए निकला था, उसके गिर कर मौत हो जाती है। उसके बावजूद भी मौके पर नगर विधायक मनीष सीजा, भाजपा नेता डॉक्टर एसपी लहरी, किशोर अग्रवाल, स्थानीय पार्षद सहित तमाम लोग मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन साहब नगर निगम और निगम के अधिकारी एवं महापौर नूतन राठौर मौके पर नहीं पहुंची। यहां तक कि फोन पर बार बार मदद मांगी गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई मदद भी नहीं पहुंची। उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के सहयोग से बच्चे को नाले से निकाला, जिसे जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। पूरे प्रकरण पर हमने नगर विधायक मनीष असीजा से जब हमने बात की, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि नगर निगम की लापरवाही ज्यादा है। और सोचने वाली बात है कि किसकी वजह से बच्चे की जान गई, क्योंकि अगर इस नाले को सही ढंग से सफाई कराई गई होती तो लंबे समय से प्रस्तावित इस लंबे नाले के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाने का काम निगम द्वारा होना था, लेकिन वहाँ भी काम अभी तक लंबित है। अगर बैरिकेड्स होते तो सफाई की गई होती तो शायद आज हर्षित हमारे बीच मौजूद होता। इस दौरान जिला अस्पताल में नगर निगम के उप नगर आयुक्त चंदन सिंह पहुंचे। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने हमेशा की तरह झूठ बोलने का काम शुरू कर दिया। कहने लगे कि सारे मेन होल बंद करा दिए गए, नालों की सफाई करा दी गई है, जबकि साफ तौर पर हकीकत आप देखेंगे इस पूरी खबर में, नालों की सफाई के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निगम द्वारा डकार लिया जाता है। क्योंकि आप साफ देख सकते हैं कि सफाई अगर हुई होती तो ये हालात ना होते। फिलहाल निगम क्षेत्र के हालात दयनीय बने हुए और महापौर नूतन राठौर नारियल फोड़ रही हैं, उद्घाटन कर रही हैं, लेकिन काम का कोई पता नहीं होता और ना ही वो काम पूरा होता है। हर काम में भ्रष्टाचार सामने आता है। अब जनता भी खुलकर कहती है कि 2% कमीशन का खेल गेस्ट हाउस मार्केट के दफ्तर में धड़ल्ले से जारी, जिसकी मार जनता झेल रही है। हर ठेकेदार से 2% कमीशन जब लिया जाएगा तो भला काम क्या होगा, आप स्वयं समझ सकते हैं। फिलहाल निगम और निगम की महापौर के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि उनकी वजह से एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे की जान चली गई। क्या नाम है आपका? ये जो बच्चा है कौन है वो आपका? भतीजा है। क्या कारण है कि वो नाले में गिर पड़ा, क्या करने गया था वहाँ पे? वो खेलने गया था वहाँ पे, बच्चों के साथ था, लेकिन वो अकेला चला गया, गैया ने मार दिया और डर के बाहर वो गिर पड़ा नाले में। कितनी देर से था? आधा घंटा हो गया सब पड़े पड़े नाले में। कैसे पता चला कि वो नाले में गिर पड़ा है? सब्जी वाले भैया बता के गए कि लला गिर पड़ा नाले में। कितनी उम्र होगी? 6 साल की। क्या नाम था उसका? हर्षित। क्या किसकी लापरवाही मानती है उस नाले में गिरने की? लापरवाही किसकी है? नाले के आसपास अगर बैरिकेडिंग होती तो शायद आपका भतीजा ना गिरता। हाँ तो होती तो ना गिरता। क्या पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं? हो चुके हैं, कई बार बच्चे गिरे हैं। हाँ, मेन होल खुले हुए हैं, नाले में गिरकर ये चौथी मौत है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से अब तक नगर निगम अपनी कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागा? लगातार मीडिया भी खबर चला रहा है, समाज से भी आपको लिखकर पत्र दे रहे हैं, आपको तमाम नेतागण आपको बराबर समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? देखिए, आपने दो बातें कही, मेन होल्स की बात है जी। सारे मेन होल्स पर ढक्कन लगवा दिए हैं, बरसात से पूरी अभी कहीं नहीं लगे हुए हैं। आप बताएं कोई ऐसा हो, जैन मंदिर से लेकर और आपके रैना नाले तक कम से कम 8 से 10 ढक्कन आज भी खुले हुए हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने कल भी खबर चलाई है। हर जिला अस्पताल के बाहर आप निकलेंगे, वहाँ पे 2 मेन हॉल अभी भी खुले हुए हैं, अभी भी एट दिस टाइम। सर ये हवाई बातें तो नगर निगम की तरफ से लंबे समय से चल रही हैं। आप लोग उद्घाटन करते हैं, आप लोग नारियल फोड़ते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस रहती हैं, ऐसा क्या कारण है? जनता साफ तौर पर कहती है, आप पर कमीशन का आरोप लगाती है कि आप कमीशन लेकर काम करते हैं, तो इस तरीके की जो समस्याएं बनी हुई हैं, आखिरकार क्यों नगर निगम क्यों नहीं जनता की समस्याओं को समाधान करता? नहीं, आप देख रहे हैं जो कोई शिकायत आती है उसको तत्काल, कोई समस्या का समाधान आज की डेट में नहीं हो पा रहा है। सारे ढक्कन जो की तो खुले हुए हैं आज भी, आप चलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास फुटेज है, मैंने कल भी खबर चलाई है। जब जल भराव होता है ये गड्ढे नहीं दिखते, मैं आपको तमाम वार्डों की सूरत दिखा सकता हूँ, मेन हाईवे पर सूरत दिखा सकता हूँ, जिसमें तमाम लोग गिरकर आज भी जान दे रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप नाले की सफाई की बात करते हैं, नाले में तमाम गंदगी पड़ी हुई है, डीएम साहब ने निरीक्षण किया, उसमें भी उन्हें गंदगी मिली, तो तमाम हम खबरें चला रहे हैं, उसके बावजूद आप केवल सफाई का दावा करते हैं लेकिन सफाई करते नहीं, ऐसा क्यों?
हो रही है, सफाई क्यों नहीं हो रही है नालों? सर अगर सफाई हो रही होती, अगर सफाई हुई होती तो ये बच्चा नहीं खत्म होता। नहीं सफाई से, अगर मेन होल बंद हुए होते तो चार मौतें बच्चों की पहले हो चुकी हैं, वो नहीं मरते। नहीं पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान में आप देख रहे होंगे जो बरसात से फिर भी सारे मेन होल पर ढक्कन लगाने की कवायद की गई है। सर कहीं भी ढक्कन नहीं लगे। सर आप कहते हैं ढक्कन लगे हैं लेकिन कहीं नहीं लगे। और अगर जहाँ तक आप नगर निगम की बात करते हैं, सफाई व्यवस्था की बात करते हैं, जिन महानुभावों ने हमें आज़ादी में सांस लेने के लिए हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया, वो आज़ादी के रण बांकुरे भी आज गंदगी में जी रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुभाषत्राया, उनकी छतरी गायब है, कौए पेड़ पर कौए तमाम पक्षी उन पर भीट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद शास्त्री मार्केट में, लाल बहादुर शास्त्री चंद्रशेखर आज़ाद मार्केट में, चंद्रशेखर आज़ाद भारत माता पार्क में, भारत माता की मूर्ति लंबे समय से टूटी पड़ी है। अगर कहीं भी अगर घटना होती है, संविधान निर्माता B.R. अंबेडकर की अगर कहीं क्षतिग्रस्त होती है प्रतिमा, तो पूरा प्रशासन, सभी नेता, सभी समाजसेवी वहाँ खड़े हो जाते हैं और वो चंद घंटों में मूर्ति लगवाई जाती है। का कद डॉक्टर B.R. अंबेडकर से नीचा हो गया है क्या? इनका इनके सम्मान की हम रक्षा नहीं करना चाहते? अगर नहीं करना चाहते तो इन मूर्तियों को हटा दिया जाए। जो भी चीज है उन सबका ध्यान रखा जा रहा है। अगर सब ध्यान रखा जाता तो ये व्यवस्थाएं होती नहीं इस तरीके की। उसी व्यवस्था कहाँ, आपने मैन होल्स की बात की, आपने नालों की बात की, सफाई की बात की, आप परिवर्तन आपको सर कहीं कोई परिवर्तन नहीं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है सर। आप स्वयं जाके देखिए, आप स्वयं जाइए चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर जाइए, भारत माता पार्क की में भारत माता की मूर्ति आज तक टूटी पड़ी है, लंबे समय से टूटी पड़ी है। कहीं ना कहीं हमारे शर्म की, हमें शर्म नहीं आती, हमें तो शर्म आती है कि हमारे जनपद में हमारे क्रांतिकारियों के साथ इस तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा है, हमें तो शर्म आती है। लेकिन आपको नहीं आती तो हम नहीं कह सकते। आपको संज्ञान में है कि मैन हॉल की जानबूझकर इस तरह की घटना का इंतजार कर रहा है? मैन हॉल बताइए पर्टिकुलर कौन सा खुला है? एक दो घंटे के अंदर मैन हॉल की सर्विस रोड पर तमाम खुले हुए हैं, आप उन्हीं को बंद करा दीजिए। बंद करा दिए गए हैं और अगर फिर भी रह गया है तो तत्काल बंद होता है, टूटता है तो तत्काल उसको रिप्लेस कराया जाता है। आप अभी उस वार्ड की पार्षद हैं, ये बच्चा खत्म हुआ जी? कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 22। वार्ड नंबर 22 में जो नाला है, लगातार उसकी खबर चलाई जा रही थी कि इसकी सफाई करा दी जाए जी। तो अब तक आप सफाई तो हुई उसकी? सफाई अगर हुई तो उसमें तमाम कूड़ा जो आज पड़ा हुआ है देखने को मिलता है, आए दिन का कूड़ा भी इकट्ठा बहुत होता है, चूँकि ठेल वेल वाले हैं ये सारे लोग और सब्जी वब्जी वाले ये गंदगी करते हैं। दीदी एक दिन में तो इतना कूड़ा नहीं इकट्ठा होता एक दिन? और नहीं, फिर तमाम तमाम नगर में नगर जी नहीं है। देखिए मेन बात ये है कि आज ये बैरिकेडिंग होती है उसकी शायद, तो बच्चा का ये गाय ने जैसे ढक्का मारा वो नहीं जाता। तो आज तक नगर निगम की मैंने दिया है जी, प्रस्ताव दे चुकी हूं। तो आपके प्रस्ताव को अब तक स्वीकार नहीं किया गया? अभी नहीं हुआ। कितने दिन हो गए? काम हो गया। तो ये मेन होल खुले हुए हैं, लगातार मीडिया भी खबर चला रही है, लगातार समाज सेवी भी कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। मेरे वार्ड में तो इतना नहीं खुला हुआ है, मेरे वार्ड में जो एक खुले हुए लगातार चौथी मौत है ये जी? नहीं मेरे वार्ड में केवल ये पहली बार, ऐसा पहला हादसा है, ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ मेरे वार्ड में, मुझे 17-18 महीने। मतलब ये व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हादसे का इंतजार हो रहा था? नहीं नहीं हादसे का इंतजार नहीं हो रहा था, मैं तो मेरा काम है लिखने का, मैंने लिख के दिया, प्रस्ताव दिया, अब मंजूर करना तो न करना निगम का काम। तो निगम तरीके से ये नाले में गिरकर आशावाद पर एक बच्ची की दर्दनाक मृत्यु हुई है, ये लगातार तीसरी घटना है, तो कहीं ना कहीं सर इसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं है? देखिए इस प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं तो मानव जीवन में हम सब लोग जानते हैं कि घटती रहती है, लेकिन सामान्यतः ये अपेक्षा प्रशासन से ये कही जाती है, जो भी संबंधित प्रशासन है, कि ऐसी घटनाओं की तीव्रता या उसकी बारंबारता को कैसे कम किया जा सकता है, और अगर उसके कम करने के उपाय हैं तो उसे अवश्य प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। उस दृष्टि से मुझे आज इस हर्षित नाम का जो बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, दुर्भाग्य कह लीजिए, क्या कहें, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। आज इस बच्चे का जन्मदिन, इसके फादर विकलांग हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, प्रजापति समाज के, कोई परिवार कितना गरीब हो सकता है उससे भी ज़्यादा गरीब ये परिवार है। इसके चाचा जो हैं रिक्शा चलाकर और आस पड़ोस के लोगों के बीच में से मदद होकर थोड़ा बहुत इस परिवार को चल रहा है। तो बच्चा कल इस परिवार का सहारा बनने वाला था, आज वो हम सब के बीच में है। वहाँ क्षेत्रीय नागरिकों से मुझे पता लगा कि ये जो नाला है, नाले की अनेक बार शिकायतें होने के बावजूद पार्षद हमारी जो है मीरा बहन, उनके भी कई बार शिकायत करने के बावजूद इस नाले की कभी सफाई नहीं हुई। कई बार क्या होता है, नाले में पानी होता है तो बच्चा या कोई चीज़ गिरी तो उसमें से उसे निकलने की संभावना बहुत होती है,
अब ये बरसों से सफाई नहीं हुई है तो दलदल बना हुआ है, वहाँ खुद जाके नाले को देखिए भी, वो बच्चा तो काफ़ी देर बाद मिला। दूसरी दुखद बात यह है कि आज हमारे नगर निगम के ZSO है या चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, दोनों यहाँ पर नहीं। सामान्य तो होता ही है कि नगर निगम 24 घंटा चलने वाली एक ऐसी संस्था है कि जिसमें इस प्रकार की आकस्मिकताओं की संभावनाएं बहुत होती है। वहाँ पर कोई जिम्मेदार नगर क्षेत्र के लोगों ने, परिवार के लोगों ने खुद नाले में घुसकर इस बच्चे को निकाला। मैंने अभी नगर आयुक्त से बात करी, वो लखनऊ है, जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने उनसे अपेक्षा और निवेदन किया कि किसी जाने वाले के जीवन का कोई दाम नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। हम सब परिवार के लोग हैं, बच्चों के लोगों के भी परिवार के बच्चे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि इस बच्चे की जान के पीछे ऐसा दे दो। लेकिन एक कठोर व्यवहारिक परिस्थिति के कारण से बहुत ही मन मार कर मैंने, क्योंकि कहते हुए तो बहुत अंदर से शर्म लग रही, लेकिन यह लगा यही कि बच्चा चला गया है तो परिवार के आंसू पहुंचने के लिए एक आर्थिक मदद हो, मैंने जिलाधिकारी महोदय को कह दिया है। इस वक्त तो SDM की जगह तहसीलदार साहब ड्यूटी पर हैं, वो मौके पर पहुँचे। दूसरा, हमने नगर आयुक्त से ये अपेक्षा करी है कि जितने भी नाले हैं, जिसके किनारे नाले भी पक्के बन चुके हैं और सड़कें भी बन चुकी हैं, वो सब इनको पहले से बनी हुई मिली हैं, कम से कम आबादी क्षेत्र में उनको जो पहले के काम के बाद अगला चरण का काम है, इन सब के पास किनारे बैरिकेटिंग लगा दें जिससे संभावित दुर्घटनाएं बचें। सीवर के जैसे आए दिन अखबारों में भी आता है, जितने भी सीवर के मेन होल हैं खुले हुए हैं, उस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है कि गंभीर घटनाएं होती हैं, उनको भी बंद करा दें, ये प्रायोरिटी का काम है। विधायक जी, लंबे समय से लगातार मीडिया भी इन खबरों को प्रकाशित कर रहा है, मौत के गड्ढे खुले हुए हैं, लगातार घटनाएं दर घटनाएं हो रही हैं, नाले की सफाई नहीं हुई, तमाम समस्याएं बार बार रखी जा रही हैं सामाजिक आयाम के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम का जो रवैया है, कहीं ना कहीं इस मौत के लिए नगर निगम पूर्णतः जिम्मेदार है। देखिए, मैंने नगर निगम के अधिकारियों से एक बात कही है, नगर निगम दो तरीके से संचालित होता है, संवैधानिक व्यवस्थाओं में वहाँ चुना हुआ बोर्ड है, वहाँ सम्मानित पार्षद है, उन सब का काम है कि वो अपने प्रस्ताव दें, वो काम है। लेकिन एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है नगर निगम के कर्मचारियों का है, तो ये सब लोग राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और इनकी सीधी सीधी जवाबदेही अपने क्षेत्र के, अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जनता और समाज के लिए बनती है। तो ये उनकी बड़ी, मैं भी इस बात को देख रहा हूँ लगातार कि सब कुछ हमारे यहाँ पर लगभग पहले से व्यवस्थित है, उसका केवल मेंटेनेंस करना या उसको थोड़ा सा सस्टेन करना, उसको बनाए रखना और उसको संभावित खतरों से बचाए रखना, जो बहुत छोटा हिस्सा है, वो अब कहने को फिर वो ज़्यादा कहें तो क्या होता है, विषय जो है ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ता है जिससे मैं बचता हूँ। मैं तूतू में और राजनीति और खासकर ऐसे समय में मुझे और भी झिझक लग रही है, लेकिन ये बड़ी दुखद बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मीडिया के लगातार लंबे समय से ध्यान आकर्षण करने के बावजूद, इस प्रकार की समय समय पर घटनाएं होने पर जनहानि होने के बावजूद, इस प्रकार से नगर निगम का प्रशासन चेत नहीं रहा है, तो ये उनकी असंवेदनशीलता के साथ साथ फिरोजाबाद के नागरिकों के साथ अन्याय है और हमारे शासन की छवि धूमिल करने की बात है, क्योंकि शासन ने पर्याप्त धनराशि दे रखी है। पीछे रसूलपुर थाने के सामने बच्चा मुस्लिम समाज का, वो कटरे में गिर के डेथ हुई थी, इसके बाद एक और घटना हुई थी, आज ये घटना हुई है। ये मैंने अभी जिलाधिकारी महोदय को ये बात बताई भी है और नगर आयुक्त को भी बहुत कहा है कि अब आप इस विषय पर गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाते हैं तो ये बहुत बड़ी लापरवाही भी रहेगी और एक तरीके से आपराधिक सोच का दृष्टिकोण दिखेगा कि इतने के बावजूद भी, पैसा होने के बावजूद भी हम इस दिशा में कदम नहीं उठाए। और TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए मयंक शर्मा के साथ देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। केंद्र और प्रदेश सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई नया मामला सामने आकर भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को मजबूती का सबूत सामने लाता है। ऐसे ही भ्रष्टाचार को उजागर करता एक मामला अभी सामने आया है, मामला फिरोजाबाद का। यहाँ लेखपालों की रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि पिछले एक महीने के अंदर 3 लेखपालों पर किसानों से रुपए लेने के मामले में कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके बाद भी रुपयों का लालच है कि कार्रवाई के डर से ज्यादा
मजबूत साबित हो रहा है। वीडियो में रुपए लेकर गिनता ये व्यक्ति जसराना तहसील में लेखपाल है। इसे जसराना का खड़ी क्षेत्र मिला है, जहाँ अपनी मनमानी चलाने का इंसाफ को पूरा हक है। यह बिना रुपए लिए अपनी कलम नहीं चलाते। इसी परेशानी से पीड़ित किसी किसान ने इनका रुपए लेते हुए वीडियो बना लिया, इसके बाद इसे वायरल कर दिया गया। यह कोई नया नहीं है, ऐसे 3 वीडियो भी हालांकि वायरल हुए थे, जिन पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन कार्रवाई का डर आखिर क्या करेगा। यह वीडियो लेखपाल सत्येंद्र श्रीवास्तव का। वीडियो में लेखपाल रुपए गिनकर अपने चश्मे के कवर में रख लेता है, साथ ही कम रुपए होने की दुहाई भी देता है। रुपए देने वाली बाकी के रुपए काम होने के बाद देने की बोलकर सौदा तय कर देता है, जिसे यह तीसरा वीडियो वायरल हुआ है। इससे पिछले फिरोजाबाद के मक्खनपुर, सिकोहाबाद और जसराना क्षेत्र के लेखपालों पर किसान से रुपए लेते हुए वीडियो पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस वीडियो पर क्या कार्रवाई करता है। आपका? मेरा नाम रामवीर है। अच्छा, ये वीडियो जो अभी मैंने आपको दिखाया था, इसमें एक व्यक्ति जो है वो रुपए गिनता हुआ रुपए लेता हुआ नजर आ रहा है, क्या है ये वीडियो और किस तरह का पूरा प्रकरण है ये? ये सर लेखपाल है सत्येंद्र श्रीवास्तव और हमारे हल्के में लेखपाल है। ये सर बहुत भ्रष्ट और रिश्वती अधिकारी है। ये बगैर रिश्वत कोई काम नहीं करता है, हर किसान से पैसे लेकर ही काम करता है, और इसने गांव समाज की जमीन जो चरागाह की है उसको भी इसने गिरवा दिया है जी। तो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इस तरह के अधिकारी पर और क्या एक्शन होना चाहिए? इस अधिकारी के ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। बहुत भ्रष्ट अधिकारी है, बगैर पैसे कोई काम नहीं करता सर ये। अच्छा, अभी जो रुपए ये गिन रहा है, किस तरह की रिश्वत थी और किस प्रकरण में इसने ली है ये रिश्वत? इसने जो है पट्टे के बाबत ली है। एक लड़का है ब्रजराज खड़ीत का, जो कि हरिजन है जाति से, उससे इसने रिश्वत ली है जी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र के मोतिया गांव में बुधवार की दोपहर में जमीनी विवाद को लेकर हुए आपसी विवाद में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। वारदात में 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जन भर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक विवाद के दौरान आपस में असलहे से फायरिंग हो गई। गड़ासा चलने से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर कई की स्थिति गंभीर बनी हुई। मृतकों में 3 महिला और 6 पुरुष शामिल, वहीं घायलों की संख्या दर्जन भर से अधिक है, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोटिया के ग्राम उम्भा में बुधवार की दोपहर विवाद को लेकर दो पक्षों में बहस के बाद आपसी संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष के दौरान असला से लेकर गड़ासा तक चलने लगा, जिसके बाद 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस अधीक्षक समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घायलों में 18 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। भूमि विवाद गुर्जर व गोर जाति के बीच शुरू हुआ था, जो कि देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया और गांव में लाशें बिछ गईं। इस घटना से पूरे जनपद में सनसनी का माहौल बना हुआ है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अनामिका श्रीवास्तव के साथ राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सोनभद्र। रायबरेली के लालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सातनपुर का, जहां पर पूरे चिराई मंजरे सैमसी गांव में बिस्तर बरसात के चलते आकाशीय बिजली गिरने से एक बालिका सहित एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। TV1 इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, रायबरेली। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए फतेहपुर जनपद के खागा में इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में 10 दिवसीय NCC ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों को NCC ट्रेनिंग देकर समाज और राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने का है। आयोजन के चौथे दिन ग्रुप कमांडर प्रयागराज ब्रिगेडियर ब्रजेश पांडे ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंडिडेटों को विभिन्न विषयों पर जानकारी भी दी, साथ ही साथ उच्च कोटि के सैन्य प्रशिक्षण की गहनता से जाँच की। NCC कैंप में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने दिनचर्या के अनुभूत कराने के साथ साथ उच्च कोटि का सैन्य प्रशिक्षण भी दिया गया। इन्फॉर्मेशन दिया, ये जो एक्टिविटी है इसे हम एनुअल ट्रेनिंग कैंप के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग 300 से 500 के बीच में कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। आज के इस कैंप में जो यहाँ पर खागा में हो रहा है, इसमें 500 कैडेट साझा हो रहे हैं और इस कैंप को 10 दिन के लिए चलाया जाएगा
और नॉर्मली हमारे जो एनसीसी बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स हैं वो उन्हें इस कैंप में शामिल होना होता है। और इस तरह के कैंप्स हमारे बहुत सारे होते हैं, सभी बटालियंस अपने अपने कैंप करती हैं। इसके साथ ही हमारे कुछ होते हैं सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स होते हैं जो दूसरी जगह पे होते हैं, जो स्टेट लेवल पे होते हैं और नेशनल लेवल पे होते हैं। जैसे हमारा एक आरडीसी के कैंप्स होते हैं जो कि जनवरी के महीने में दिल्ली में होता है, और उसी सिलसिले में हमारे कई और कैंप्स होते हैं जो उससे पहले कंडक्ट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ के बच्चों का कैसा रुझान रहता है एनसीसी के प्रति, जैसे कि ये फतेहपुर का जो एरिया आता है सागर के अंतर्गत, बहुत ही यहाँ बच्चे जल्दी से एनसीसी को पसंद नहीं करते, उसके लिए बेहतर कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एनसीसी को जाएंगे, इसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो एनसीसी को हम अधिक से अधिक रेलेवेंट बना रहे हैं। प्रॉब्लम है आज के समय पे जागरूकता की, लोगों को समझ सकता है और वो भी एनसीसी की एक्टिविटीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस हैं वो इससे बहुत कुछ सीख सकती हैं कि एनसीसी एज ए ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन कर रहा है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें आर्म्ड फोर्सेस के जो सेवारत ऑफिसर्स हैं और जेसीओज एनसीओज हैं, हवलदार और जो सूबेदार लेवल के लोग होते हैं, वो सेवारत जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। तो उनके एक्सपीरियंसेस को अगर आप देखें, 25 से 30 साल के एक्सपीरियंस लेकर आते हैं लोग, जो भिन्न भिन्न आर्म से हैं, इन्फेंट्री से, आर्टिलरी से, अलग अलग और अलग अलग जगह पर, चाहे वो जंगी इलाके हों चाहे वो डिफिकल्ट एरियाज हों, वहाँ से इतना बड़ा अनुभव जो लेकर आते हैं, वो अनुभव अपने आप में बहुत कीमती चीज़ है। इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो सोशल सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, कैंप्स वगैरह करते हैं, इससे बहुत सी चीज़ें वो हम करने की कोशिश करते हैं जो गांव के दूर दराज के पेरेंट्स नहीं कर सकते। जैसे हमने यहां पर जो मुहिम छेड़ी है उसमें हमने एक सुपर 30 का आगाज़ किया है। इस सुपर 30 में हमने पर्सनालिटी असेसमेंट बच्चों के लिए प्लान किया है। अगर एक पेरेंट किसी बच्चे का असेसमेंट कराने जाएंगे तो 6,000 रुपये का खर्च होगा, और वो भी उन्हें कोई पक्का भरोसा नहीं है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, ये समय यहाँ पर चल रहा है। उसमें बच्चों को ये पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो स्ट्रांग है, कौन सी क्वालिटीज़ वीक है, और उनको हम गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो अपने आप में सुधार कर सकें और अपने प्रोग्रेस के लिए कर सकें। इसी प्रकार बहुत सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के हित में है, जो इंस्टीट्यूशन के हित में है, जो कैडेट्स के हित में है, और जो बाकी की युवा शक्ति है उसके हित में है। आगे की क्या प्लान्स हैं और आगे बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए एनसीसी और क्या क्या करने? देखिए, एनसीसी का देखिए जो उद्देश्य है, जो शुरुआत से 1947 से ही जो उद्देश्य बनाया है एनसीसी का, पहली बात तो जो कैडेट्स हैं उनके अंदर में वो शक्ति पैदा करना कि वो खुद तो अपने आप को चमक पैदा करें ही, बिल्कुल, पर उसकी रोशनी से दूसरे जो यूथ हैं उनकी भी चमक पैदा हो। इस प्रकार की सोच के साथ 1947 में हमने एनसीसी का आगाज किया था। वो जो उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो आज भी उतने ही ज़रूरी हैं और उतने ही इफेक्टिव हैं। इसके साथ अगर आप देखें आज की डेट पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक 2022 का लक्ष्य आगाज किया, जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं कि जिसमें वो चाहते हैं भारत टेररिस्ट फ्री हो, भारत करप्शन फ्री हो, भारत पॉवर्टी फ्री हो, इस तरह के बहुत से उन्होंने उद्देश्य उसमें शामिल किए हैं। तो हमने ये डिसाइड किया है कि एनसीसी की जो कोशिशें हैं और जो ट्रेनिंग की प्रणाली है इसकी, वो इस प्रकार से हम उसको निर्धारित करेंगे कि ये इन सभी उद्देश्यों के तहत काम करके और ये सारे उद्देश्यों का पालन कर सकें और इसके उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। इसमें हमने बच्चों के लिए बहुत दूरगामी चीज़ें सोची हैं, और शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारे एनसीसी के बच्चे विदेश में भी जाने की व्यवस्था होती है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने की व्यवस्था होती है, और वो अलग अलग तरह की चीज़ें जो कोई भी किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन का बच्चा कर सकता है, वो आपके बांदा के, फतेहपुर के, अतर्रा के, ये सारे बच्चे वो कर सकते हैं। तो एनसीसी की जो कोशिश है वो यही कोशिश है कि उन सभी बच्चों को जहाँ सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं, जहाँ साधन पहुँच नहीं पाए हैं, उनको इन सभी साधनों से जोड़े और उनको बाकी के बच्चों के समकक्ष लेकर जाने की कोशिश करें। TV1 इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर।